अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट को DBD से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को DBD से लिंक करवाना चाहते हैं, यानी कि जो भी सरकारी पैसा होता है, यानी कि PM किसान सम्मान निधि या कोई भी लाडली बहना योजना या गवर्नमेंट की कोई भी योजना होती है, उस योजना का पैसा सीधा आपको अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपका अकाउंट DBD अनेबल होना चाहिए। DBD अनेबल करवाने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। चलिए इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे, कैसे आप अपने अकाउंट को DBD अनेबल करवाएंगे। अनेबल करवाने के लिए आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। अपने अकाउंट से DBD अनेबल करवाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सिंपल क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर लिंक सेंडिंग आधार नंबर एंड रिसीव DBD बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट NPCI मैपिंग, यानी कि आपको अपना बैंक अकाउंट DBD से लिंक करवाने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। आपका कोई सी भी बैंक में अकाउंट हो तो आपको लिंक करवाने के लिए DBD के लिए इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे सामने यहाँ पे देखेंगे बैंक, यानी कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो उस बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि हम यहाँ पे बैंक का नाम लिख देते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हमने बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नीचे BO, तो यहाँ पे आपका जहाँ भी ब्रांच ऑफिस हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। चलिए यहाँ पे हम ब्रांच ऑफिस का नाम फिल कर देते हैं। यहाँ पे ब्रांच नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में लिखेगा डेट, तो यहाँ पे वही डेट डालनी है जब आप ब्रांच में फॉर्म को जमा करेंगे, वो डेट यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो चलिए यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डेट डाल ली है, तो यहाँ पे जिस डेट में आप फॉर्म को अपनी बैंक में जमा करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट में लिंक सेंडिंग ऑफ आधार इन NPCI मैपिंग फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो, इसलिए आपको DBD अपना बैंक अकाउंट अनेबल करवाना होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट आप देखेंगे, पहला नंबर IM हैविंग ए सेविंग अकाउंट नंबर, यानी कि आपको जिस भी बैंक का अपना DBD अनेबल करवाना है उस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। सिंपली यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर फिल कर दिए। डेमो के तौर पे आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो सही तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ मिस्टर, तो यहाँ पे आपका जो नेम है आपका बैंक पासबुक में जो भी नेम है वो नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए हम यहाँ पे हम नेम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नेम फिल कर लेना है। नेम फिल करने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर थंब एंड इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, यानी कि यहाँ पे जो भी अकाउंट जिनका भी अकाउंट है वो थंब लगाते हैं तो यहाँ पे उनका थंब लगवा देना है, और अगर वो यहाँ पे साइन करते हैं तो यहाँ पे उनका साइन करवा देना है। तो चलिए यहाँ पे हम साइन कर देते हैं। तो यहाँ पे उनका साइन करवा देना है जिनका भी यहाँ पे DBD अनेबल करवाना है, उनका यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स का यहाँ पे साइन करवा देना है। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे आप थर्ड नंबर का ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBD बेनिफिट टिकट टिक वन, यानी कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे DBD अगर आपको अनेबल करवाना है अपने अकाउंट से तो आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन पे टिक करना है। और आई विश टू सेंड माय अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आपने जो लिखा है ऊपर जिस अकाउंट में आपको DBD अनेबल करवाना है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे फिर से आपको लिख देना है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप लिख देंगे अकाउंट नंबर। यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्कॉल आपको यहाँ पे कोई फिल नहीं करना है, फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है नीचे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे आप देखेंगे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन एंड कस्टमर, तो यहाँ पे कस्टमर का फिर से आपको थंब अगर लगाते हैं तो थंब लगवाना है, और सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर सिग्नेचर करवाना है, इस तरह से करवा देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम में उनका फुल नेम लिखवाना है,
मोबाइल नंबर डलवाना है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे एक कॉपी आधार की भी अटैच करनी है, और आधार की कॉपी के साथ बैंक अकाउंट का भी यहाँ पे एक कॉपी अटैच कर देनी है। ये सारी कुछ डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे, सारी कुछ डिटेल यहाँ पे आप भर के आपको आपका जो बैंक है उस ब्रांच में यहाँ पे आपको जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट से डीबीटी को अनेबल कर दिया जाएगा, और जो भी योजनाएं आती है गवर्नमेंट की, जो पैसा सीधा आपको बैंक खाते में मिलता है वो सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करके आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस डीबीटी फॉर्म को डाउनलोड करके इस प्रकार से भर के आप अपनी बैंक में देखकर अपने डीबीटी को अनेबल करवा सकते हैं।